नमस्कार, मैं हूं सृष्टि, आप देख रहे हैं इंडिया खबर। आइए एक नजर अब तक के मुख्य समाचार पर। आज 16वें ईस्ट एशिया सम्मेलन में वर्चुअली शामिल होंगे पीएम मोदी। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हित के मामलों पर हो सकती है चर्चा। कांग्रेस विधायक चंद्राकर की गुंडागर्दी, समर्थकों के साथ सरकारी दफ्तर में घुसकर कर्मचारी की आंख फोड़ी। नवाब मलिक का समीर वानखेड़े पर बड़ा आरोप, क्रूज पार्टी में मौजूद था ड्रग्स माफिया लेकिन उसे छोड़ दिया गया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,451 नए केस दर्ज, 585 लोगों की मौत। अमरिंदर के अगले कदम को लेकर अटकलें तेज, आज कर सकते हैं नई पार्टी की घोषणा। पाकिस्तान आर्मी के आगे झुके प्रधानमंत्री इमरान खान, नए आईएसआई चीफ की नियुक्ति को दी मंजूरी। इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति की बेटी ने इस्लाम छोड़ अपनाया हिंदू धर्म, लग चुके हैं इस्लाम का विरोध करने के आरोप। मिले जुले ग्लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार तेजी के साथ खुले, सेंसेक्स निफ्टी में उछाल। G20 वर्ल्ड कप 2021 में पाकिस्तान की लगातार दूसरी जीत, न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराया। समीर वानखेड़े पर करोड़ों की डील के आरोपों की आज शुरू होगी जांच, दिल्ली से मुंबई पहुंची एनसीबी की विजिलेंस टीम। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहे इंडिया खबर।